बिहार में चुनाव की जोरदार तैयारियों के बीच शराब का बड़ा खेल भी शुरू हो चुका है और इसी बीच हाजीपुर में पुलिस ने 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद की है। दरअसल चुनाव को देखते हुए वैशाली पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया, जिसके बाद जिले में अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। आपको बता दें कि वैशाली पुलिस ने शराब को लेकर हाजीपुर सहित आसपास के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया था और अवैध कारोबार वाले इलाकों से शराब बरामद किया। वहीं सड़कों और एनएच पर भी पुलिस ने नाकाबंदी कर तलाशी अभियान चलाया, साथ ही शराब के बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ने के लिए कई तरह का अभियान भी चलाया गया, जिसके बाद शराब से भरी 2 ट्रक पकड़ी गई। ट्रकों से करीब 1000 कार्टून शराब बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ है। विशेष छापामारी अभियान के तहत वैशाली पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है और छापामारी किया गया था जिला पुलिस के द्वारा, उसमें से 2 ट्रक शराब बरामद हुआ है। 1 ट्रक नेपर के पास में इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया हुआ था और दूसरा ट्रक बिदुपुर बाजार के पास पेट्रोल पंप के किनारे खड़ा किया हुआ था। वैशाली ब्यूरो के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।